प्रकृति एक बहुत सुंदर उपहार है। जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा सुंदर नज़ारा ना हो तो कैसा हो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है चेतना त्यागी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक वीणा की कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हो गए हैं कुछ आपकी सुनने, कुछ अपनी सुनाने। तो चलिए आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी आनंदमयी कविता का पाठ जिसका नाम है सीखो और जिसे लिखा है श्रीनाथ सिंह जी ने। वैसे तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, जैसे हवा, ऊर्जा और प्रकाश, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी प्रकृति से आप अपना जीवन भी नियमित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं आप? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताएंगे और आपको सुनाएंगे एक ऐसी कविता जो इसी पर आधारित है, जिससे आप अपना जीवन नियमित बना सकते हैं। आइए सुनिए इस कविता को। तो देखा आपने किस तरह से पृथ्वी, जल, भौरे और जलाधार हमें सीख दे रहे हैं और किस तरह से सीख दे रहे हैं ये भी आपने जाना। तो इन सब से सीख कर आप ये सीख अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन नियमित हो सकता है। अब हम आपको जो चित्र दिखा रहे हैं, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो चित्र आप ही की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको एक कविता या कहानी बनानी है। तो चलिए मैं तो एक कहानी बनाने जा रही हूँ। भोर का समय था, सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से ऐसे निकल रही थीं कि पेड़ों पर लगे फल चमचमा रहे थे और फूल खिलखिलाते हुए सूरज की किरणों की ओर देख रहे थे। नदी के शांत बहते पानी में सूरज की किरणें, हल्के बादल, उड़ते पक्षी, फल और फूल ऐसे मोहक लग रहे थे कि क्यों ना एक पूरा दिन प्रकृति की गोद में बिताया जाए। आपको कैसी लगी ये कहानी बताइएगा,
और अब समय हो गया है आपकी समझ को बढ़ाने का। और ये समझ कैसे बढ़ेगी? जो कहानी में कठिन शब्द आए हैं और जो अर्थ उनके हमने आपको बताए हैं, उनको जानने से आपकी समझ बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है तरु, जिसका अर्थ है पेड़। दूसरा शब्द है शीश, जिसका अर्थ है सिर। और तीसरा शब्द है पृथ्वी, जिसका अर्थ है धरती। हमारा चौथा शब्द है हरना, इसका अर्थ है दूर करना। अंतिम शब्द है पथ, पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। अभी जो आपने शब्द और उनके अर्थ जाने, उनको आप अपने शिक्षक और शिक्षिका से साझा कीजिए और वाक्य बनाइए। वे भी बहुत खुश होंगे और हो सकता है कि आपके शिक्षक और शिक्षिका आपको कुछ और वाक्य भी बनाने के लिए दें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त हो गया है कविता की समझ को बढ़ाने का। तो अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला। सबसे पहले दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इनके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, उन्हें अपनी कॉपी पर लिखिए और अपने बड़ों से उनके बारे में बातें करिए। तो आपके बड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप इस कविता में नहीं जान पाए हैं। फिर भी आपकी समझ के लिए कविता के दूसरे कॉलम में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका चित्रों के अनुसार मिलान किया जा सकता है। तो हो जाइए तैयार इस अभ्यास के लिए और देखिए चित्र को सही सीख के साथ मिलाइए। इतना ही नहीं, खाली बक्से में आपके द्वारा सोची हुई नई सीख को भी लिखिए। जैसे हंसना के लिए दूसरी सीख हो सकती है मुस्कुराना। ऐसे ही बाकी सभी के लिए भी सोचें और खाली स्थानों को भरें। तो इसे अपने परिवारजनों और साथियों के साथ भी साझा करें, वे बहुत खुश होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं कुछ नया सीखने की, यानी कि बूझो तो जाने। हम बात कर रहे हैं पहेलियों की। जी हाँ, अब आपको सुलझानी है तीन पहेलियाँ, लेकिन वो आप कैसे सुलझाएंगे, उसके लिए हम चलेंगे रिया और विहान के पास, जो आपको इन पहेलियों के बारे में बताएंगे और उनके जवाब भी बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं हूँ विहान। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार पहेलियाँ लेकर आए हैं। पहेलियाँ? उनको बुझने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। विहान, क्या तुम्हें पहेलियाँ आती हैं? हाँ हाँ, मेरी दादी माँ मुझसे बहुत सारी पहेलियाँ पूछती है और मैं उनके जवाब आसानी से दे देता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, क्या मैं पूछूँ? हाँ हाँ, जरूर पूछो। एक फूल है एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। अब बताओ रिया, इसका जवाब क्या होगा? एक फूल है एक फल है, फूल हुआ गुलाब और फल हुआ जामुन, दोनों मिलकर बने गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। सही उत्तर दिया रिया। क्या मैं एक पहेली पूछूं तुमसे विहान? हाँ हाँ, जरूर। बिना बाल के पूछ ले वे भाग रहा है, सब सोते वे रात रात वे जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। बताओ बिहान, इसका क्या जवाब होगा? और दोस्तों, आप भी सोच के बताइए इसका क्या जवाब होगा। धरातल के नीचे सोता है। बताओ बताओ। हाँ, इसका जवाब तो मुझे पता है, चूहा है ना, इसने तो मेरी कॉपी भी एक बार काटी थी। हाँ, तुमने तो एकदम सही जवाब दिया। दोस्तों, मजा आया ना? ऐसे एक और पहेली हम दोनों आपसे पूछेंगे। आसमान में ऊंचा उड़ता करता गुटर गुटर, दाना ढूंढे चटपट खाए, कभी इधर तो कभी उधर। अब बताओ दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? और अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों, मजा आया ना इन पहेलियों को बूझने में? ऐसी और मजेदार पहेलियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कविता और कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी और साथ ही आपने इस कविता और कहानी का आनंद भी उठाया होगा। तो आपको करना ये है कि इस कविता और कहानी को अपनी कॉपी में लिखना है और अपने शिक्षक और शिक्षिका के साथ साझा करना है, वे भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। एक नए रोचक पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप यूं ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।